बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद झारखंड के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का दौरा अधूरा रह गया। शुक्रवार की रात रांची पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी को शनिवार को कोर कमेटी की अधूरी बैठक के बाद वापस लौटना पड़ा। ओम प्रकाश माथुर ने जाते जाते मीडिया के सामने प्रदेश की रघुवर दास सरकार के कामकाज और सांगठनिक मजबूती की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्य से सूबे की जनता संतुष्ट है। 35 लाख के करीब उज्ज्वला योजना के लाभुकों का आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड में केंद्र और राज्य की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। ओम प्रकाश माथुर ने एक बार फिर बूथ के दम पर चुनाव जीतने की रणनीति पर बल दिया। गांव, गरीब, किसान, मजदूर को ध्यान में रखकर के जो योजनाएं बनाई है और इसके साथ साथ प्रदेश की योजना, ये नीचे स्तर तक पहुंची है। आज मैंने थोड़ी सी बातचीत की तो लगभग 35 लाख से ज्यादा तो उज्ज्वला से लाभान्वित हुए हैं। ये सारे यानी कुल मिला के विकास का मुद्दा लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। ओम प्रकाश माथुर ने इस दौरान मीडिया के कई सवालों का जवाब इंतजार करने के साथ दिए, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरे के सवाल पर इंतजार, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर इंतजार, विपक्ष के खिलाफ रणनीति के सवाल पर इंतजार से ज्यादा कुछ और जवाब सुनने को नहीं मिला। झारखंड के चुनाव प्रभारी ने अपने पहले ही दौरे में संगठन की दिशा और राजनीतिक दिशा को स्पष्ट कर दिया। संगठन के मोर्चे पर बूथ की मजबूती और राजनीतिक मोर्चे पर 370 के संकल्प को पूरा करने का दावा ओम माथुर के शब्दों से बयां हुआ। उन्होंने कहा कि 370 आम जनता की इच्छा थी और बीजेपी की सरकार ने इसे पूरा किया। आज कांग्रेस दिग्भ्रमित हो गई है और कश्मीर में दौरा से माहौल खराब करना चाहती है। कांग्रेस देखिए दिग्भ्रमित हो रही है, लीडरलेस हो रही है। मैं तो राज्यसभा में था, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, और ऐसा नहीं कि हमने प्रयत्न किया पहली बार, पहले भी इससे पहले भी कांग्रेस रिज्यूम में भी 3 बार हुआ और वो हमारे गृह मंत्री जी ने विस्तार से आप लोगों के बीच में हाउस में रखा जो आप तक पहुंचा। यानी नेहरू जी के खुद के शब्द है, अभी मत करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। तो कांग्रेस जानती है कि गलत काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस दिग्भ्रमित है और वो हमारे साथ आने की जरूरत नहीं, वो जहां रहे वहीं रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन 370 सबकी इच्छा थी, आम जनता की इच्छा थी, होनी चाहिए, वो ही है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने 65+ का नारा दिया है। अरुण जेटली के निधन के बाद वापस लौटने वाले बीजेपी के चुनाव प्रभारी का बहुत जल्द दूसरा दौरा होगा। ओम प्रकाश माथुर ने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने का संकल्प दोहराया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 11, रांची।